जय हिंद डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। लखनऊ से शिनूक हेलीकॉप्टर के मॉडल के मिसिंग होने वाली रिपोर्ट निकली मिसलीडिंग। गुजरात पुलिस ने बस्ट किया भारत के पॉलिटिकल लीडर्स को टारगेट करने वाला टेरर मॉड्यूल। जम्मू कश्मीर में बैक टू बैक सिविलियंस पर दो हमले। इंतजाम में KLCH प्रेजिडेंट ने कंडक्ट करी फायरिंग एक्सरसाइज और ईरान के प्रेजिडेंट का हेलीकॉप्टर हुआ अजरबैजान में क्रैश। कल कुछ ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स देखने को मिल रही थी जिनमें दावा किया जा रहा था कि 2020 में जब लखनऊ में पहली बार डिफेंस एक्सपो आयोजित किया गया था तो इस दौरान DRDO ने लखनऊ में शिनूक हेलीकॉप्टर के एक मॉडल को भी इंस्टॉल किया था। लेकिन इन लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि शिनूक हेलीकॉप्टर का जो ये मॉडल है वो मिसिंग है। और मीडिया में रिपोर्ट आने के बाद फिर सोशल मीडिया में भी इससे रिलेटेड कई सारी पोस्ट देखने को मिली और इस पर तो बहुत सारे मीम भी बने। लेकिन भारतीय रक्षा मंत्रालय DRDO इनकी तरफ से ऑफिशियली कन्फर्म कर दिया गया है कि ये सारी मिसलीडिंग रिपोर्ट्स हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जबकि DRDO ने स्पष्ट किया कि उन्होंने लखनऊ में कभी भी किसी भी हेलीकॉप्टर के मॉडल को इंस्टॉल किया ही नहीं। तो जब मॉडल का भी इंस्टॉल किया ही नहीं गया तो मिसिंग क्या हुआ है? तो इसलिए ऑफिशियल्स की तरफ से कंफर्म कर दिया गया कि ये सारी रिपोर्ट्स मिसलीडिंग है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ तो ये देखने को मिली कि जितने भी हैंडल्स के द्वारा इस रिपोर्ट को शेयर किया गया उनमें से आधे से ज़्यादा हैंडल्स तो ऐसे थे जिन्हें ये तक नहीं पता कि शिनूक हेलीकॉप्टर दिखता कैसा है। तो कोई सीहॉक की पिक्चर लगा रहा है, कोई LCH प्रेजिडेंट की पिक्चर लगा रहा है, कोई अपाचे हेलीकॉप्टर की पिक्चर लगा रहा है। पर खैर जो भी है, ये रिपोर्ट मिसलीडिंग है और ये कंफर्म हो चुका है। गुजरात पुलिस ने एक बड़े टेरर मॉड्यूल को बस्ट किया है जो कि भारत के कुछ प्रमुख पॉलिटिकल लीडर्स को टारगेट करने की योजना बना रहा था। और इस मामले पर 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है जिसमें से एक है सोहेल नाम का मौलवी। इसे मई के पहले सप्ताह में गिरफ्तार किया गया था और जब इसे पूछताछ की गई तो उसने इस मॉड्यूल के बारे में और भी आगे के सुराग दिए। इस सोहेल नाम के आरोपी के पास से 2 वोटर आइडेंटिटी कार्ड्स और 2 बर्थ सर्टिफिकेट्स भी रिकवर किए गए। इसके बाद जो दूसरा आरोपी है उसकी पहचान मोहम्मद अली के तौर पर हुई है और इसे मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार किया गया था। ये पहले नेपाल में भी रहता था और इसके नाम पर 42 ईमेल आईडीज हैं और ये टारगेट्स को थ्रेटन करने के लिए मल्टीपल सिम्स और ईमेल आईडीज का इस्तेमाल करता था और इसके पास आधार कार्ड के अलावा नेपाल की नागरिकता भी है। और जो तीसरा आरोपी है उसकी पहचान रजा के तौर पर हुई है, हालांकि इसने सबूत मिटाने के लिए भी मोबाइल हैंडसेट को डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन पुलिस फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की मदद से कुछ इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करने में कामयाब रही है। बाकी इससे भी पूछताछ की जा रही है। और जो ये रजा है ये पाकिस्तानी सिम कार्ड का इस्तेमाल कर रहा था जो कि इसे मिला था इसके पाकिस्तानी हैंडलर से। और इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन में गुजरात पुलिस के साथ NIA भी शामिल है और ये तीनों ही पाकिस्तानी हैंडलर के साथ टच में थे। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि कल रात को जम्मू कश्मीर में 2 अलग अलग जगहों पर आतंकियों द्वारा कायरतापूर्ण तरीके से सिविलियंस पर ओपन फायर किया गया था। इसमें से एक घटना है शोपियां की जहां पे एक्स सरपंच जिनका नाम है एजाज अहमद, तो उन्हें टारगेट करने का प्रयास किया गया था। और दूसरी घटना है अनंतनाग की जहां पे राजस्थान से आए टूरिस्ट कपल पर हमला किया गया और इन टूरिस्ट कपल के नाम में फारा और तब्रेज। बाकी घायलों को तुरंत ही ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। बाकी एरिया की घेराबंदी कर दी गई है और हमलावरों की तलाश जारी है। और शोपियां में जो एक्स सरपंच एजाज अहमद पर हमला किया गया था तो उस हमले में गंभीर रूप से घायल होने की वजह से उन्हें बचाया नहीं जा सका है। हालांकि इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। और एक ही रात में बैक टू बैक इस तरह के 2 हमले एक ऐसे समय पर हुए हैं जब अनंतनाग राजौरी सीट में पार्लियामेंट्री पोस्ट के लिए कैंपेनिंग चल रही है। और आपको ये भी क्लियर कर दे कि एजाज अहमद शेख वही हैं जिनकी अभी कुछ समय पहले वीडियो काफी वायरल भी हुई थी जिस पर उन्होंने पूरी दुनिया के सामने रखा कि कैसे जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट तेजी से हो रहा है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इनकी आत्मा को शांति मिले। और सिविलियंस पर इस तरह के कायरतापूर्ण हमले इस तरह के प्रमाण है कि हमारा जो अपना निकम्मा पड़ोसी है पाकिस्तान, वो इस बात से काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है कि आखिर जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट क्यों हो रहा है। क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर में विकास होगा, वहाँ पर शांति स्थापित रहेगी, वहाँ के लोग सही दिशा में चलेंगे, तो पाकिस्तान को तो समझ लो कि रोजगार छिन जाएगा। तो इसलिए पाकिस्तान की फ्रस्ट्रेशन इस तरह के कायरतापूर्ण हमलों में खास तौर पर देखने को मिलती है। जम्मू कश्मीर में सिविलियंस पर हुए इन 2 हमलों की कड़ी निंदा करते हुए आज रविवार को जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का कहना था कि इन हमलों के अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को खुली छूट दे दी गई है। और उनका यह भी कहना था कि उन्हें सिक्योरिटी फोर्सेस पर पूरा विश्वास है और जो ये हमलावर थे उन्हें जल्द ही सजा दी जाएगी। बाकी इसके अलावा भी हाल ही के समय में आप सभी ने नोटिस किया होगा, भारत के कुछ प्रमुख लीडर्स, फिर चाहे वो हमारे विदेश मंत्री हो, गृह मंत्री हो, हमारे प्रधानमंत्री हो, तो उन सभी के द्वारा POK वाले मुद्दे पर कई बार बात की गई है। और उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि POK हमेशा से भारत का हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा और उसे वापस लेने के लिए वे प्रतिबद्ध हैं। लेकिन ऐसा कब होगा तो इसकी कोई समय सीमा नहीं बताई गई थी। लेकिन अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा POK को लेकर एक महत्वपूर्ण बात की गई है जिस पर उनका ये कहना है कि PM मोदी का तीसरा टर्म शुरू होने के 6 महीनों के अंदर POK भारत में वापस आएगा।
और ये बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र में अपनी एक रैली के दौरान कही थी। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की इस स्टेटमेंट पर आपके जो भी विचार है आप उसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और बाकी आगे बढ़ने से पहले अगर आप यहां तक वीडियो देख चुके हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और साथ ही आपको सूचित कर दें कि अप्रैल महीने की फ्रंटलाइन ई मैगजीन भी लॉन्च हो चुकी है, जो कि फर्स्ट 100 बायर्स के लिए मात्र 11 रुपये में उपलब्ध है, जिसे आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से बाय कर सकते हैं। और अगर आपके पास डिफेंस कॉर्ड की सुपर ऐप पर प्रीमियम मेंबरशिप है तो आपको ये ई मैगजीन अलग से बाय करने की जरूरत नहीं है, वो आपको आपके सब्सक्रिप्शन में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। 16 मई को इंडियन आर्मी की गजराज कोर ने एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज को कंडक्ट किया था, और इस एक्सरसाइज में भारत के स्वदेशी लाइट अटैक हेलीकॉप्टर प्रचंड ने भी पार्टिसिपेट किया था। और इस दौरान प्रचंड ने अपनी हाई मिनरेबिलिटी के साथ साथ अपनी लीथल फायर पावर का भी डेमोन्स्ट्रेशन दिया और टारगेट्स को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट किया। इसमें लॉन्ग रेंज के रॉकेट्स, 800 राउंड पर मिनट के रेट से फायर करने वाली 20 mm की टरेट गन, तो इस तरह के अलग अलग हथियारों के साथ टारगेट्स को डिस्ट्रॉय किया गया था। इसके अलावा भी हाल ही में इंडियन आर्मी की वेस्टर्न कमांड के पाइन वॉरियर्स ने CBRN एनवायरनमेंट में ऑपरेट करने की प्रैक्टिस करी थी, और जिसमें उन्होंने अपनी स्किल्स को इन्हेंस किया। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि सोमवार से भारत के पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में काउंटर टेररिज्म और एंटी सैबोटेज सिक्योरिटी ड्यूटीज को 3300 से अधिक CISF पर्सनल टेक ओवर करेंगे, और जबकि CISF पर्सनल से पहले ये ड्यूटीज थी CRPF के पास, लेकिन अब CRPF के पर्सनल यहां से हटेंगे और उनकी जगह इन ड्यूटीज में CISF के पर्सनल को डिप्लॉय किया जाएगा। और अब ओल्ड और न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग्स और उससे जुड़े हुए स्ट्रक्चर्स की सुरक्षा की जिम्मेदारी 3317 CISF पर्सनल के पास होगी। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक आज रविवार सुबह 6 बजे तक ताइवान के पास चाइनीज मिलिट्री के 7 एयरक्राफ्ट और 7 नेवी वेसल्स को अटैक किया गया। बाकी ताइवान की आर्म्ड फोर्सेस पूरी सिचुएशन को मॉनिटर कर रही है और इसके लिए पर्याप्त रिस्पांस भी दिया गया। इसके अलावा अभी जैसे मैं हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ईरान के स्टेट टीवी की तरफ से आई रिपोर्ट के मुताबिक कि ईरान के प्रेसिडेंट को कैरी कर रहे एक हेलीकॉप्टर को अजरबैजान में एक इंसिडेंट का सामना करना पड़ा है, और इस हेलीकॉप्टर में ईरान के प्रेसिडेंट के साथ उनकी विदेश मंत्री और इंटीरियर मिनिस्टर भी साथ थे। और अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलहाल अभी इस बात की संभावना जताई जा रही है कि ईरान के प्रेसिडेंट का जो हेलीकॉप्टर था उसको खराब मौसम के कारण अजरबैजान में एक इमरजेंसी हार्ड लैंडिंग करनी पड़ी है, और जबकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इसे क्रैश बताया जा रहा है, लेकिन आपको क्लियर कर दें कि ईरान की तरफ से भी ऑफिशियली कमेंट आना बाकी है। बाकी ईरान की स्टेट टीवी की तरफ से कहा गया कि जो रेस्क्यू टीम है वो हेलीकॉप्टर की साइट पर पहुंचने का प्रयास कर रही है। बाकी इस पर जो भी अपडेट्स रहेंगे हमारे डिफेंस अपडेट्स से आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी, और क्विक अपडेट्स के लिए आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1999 में जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन रक्षक के दौरान मेजर अजय कुमार वीरगति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 1999 में कारगिल में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए गनर संजीव गोपाला पिल्लई और सूबेदार लोकजंग छोटा वीरगति को प्राप्त हुए थे, और हमारे इन दोनों वीरों को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि मुंटो ढालों में इंडियन एयरफोर्स के किस एयरक्राफ्ट की मदद से स्ट्राइक की गई थी। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आपने अभी तक डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही डाउनलोड करें और एक्सप्लोर करें डिफेंस की दुनिया को एक अलग तरह से। बाकी जल्द ही मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।